सबसे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी उठकर इस प्रांगण को न छोड़े, क्योंकि इस कथा के बाद में जो अपना अंतिम कार्यक्रम है वो आरती का कार्यक्रम है। तो कोई भी प्रांगण छोड़ के भाई बहन माता कोई भी यहाँ से उठेंगे नहीं। और बहुत ही बढ़िया, आज हमारा भाग्य है कि परम पूज्य जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी श्री श्री धराचार्य जी महाराज की पावन उपस्थिति में और इनके द्वारा और इनके जो शिष्य मंडल है उनके द्वारा बहुत ही बढ़िया मीठे भजनों से कथा कीर्तन के द्वारा आज हनुमान जन्मोत्सव का हमने लाभ लिया है। एक बार जोरदार तालियों से हम इन सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया था, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे महंगे महंगे मेहमान पधारने वाले हैं, तो उन्हीं की कड़ी में आज मीरा भाईंदर से आमदार श्री नरेंद्र जी मेहता हमारे बीच में इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए बीच में पधारे हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नरेंद्र जी मेहता जो अपने मीरा भाईंदर के आमदार है, वो और उनके जो साथी श्री दिवकितो श्री दूर किशोर जी पाटिल सभापति जी और उनके साथ ही सुरेश जी खंडेलवाल नगर सेवक, डॉक्टर सुशील जी अग्रवाल नगर सेवक, वैशाली जी रखवी नगर सेवक और प्रदीप जी धानुका जो पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा मंच पे पधारे। स्वामी जी के हाथों से आपका हम झांझरिया सेवा समिति की ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप जो अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, हम श्री झांझरिया सेवा समिति की ओर से और यहां पर विराजमान सभी भक्तों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी हां, लोक लाडले आमदार नरेंद्र जी मेहता जो हमारे बीच में कार्यक्रम में पधारे हैं, हम सभी भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल, जो ये महंगे महंगे मेहमान पधारे हैं हमारे बीच में, मैं दो लाइन इनके लिए कहना चाहूंगा कि आप पधारे यहाँ पर सत सत नमन, अरे खिल उठा आज जैसे बचन ती समन, हाथ पुष्पों की माला लिए हम खड़े कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आपका हम सभी की ओर से, इस मंच की ओर से, सभी भक्तों की ओर से और झांझरिया हनुमान सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागत आपका कर रहा हर सुमन, स्वागत आपका कर रहा हर सुमन, आप यहाँ पधारे आपको सत सत नमन, आपको सत सत नमन। और बिल्कुल, जो हमारे आमदार साहब नरेंद्र जी मेहता, इनके बारे में तो मैं एक ही लाइन बताऊं कि इसी ग्राउंड में पिछले रविवार को कार्यक्रम था माली समाज का और वहां पर गौदान के लिए, गायों के सेवा के लिए जो कार्यक्रम चल रहा था, स्वयं आकर यहां पर 15,000 की सेवा यहां पर उन्होंने हमें दी थी। यानी कि इनकी, इनके बारे में जो कहे कि लोक भक्त भी सच हो घमंड से हो दूर, लोक भक्त भी सच हो घमंड से हो दूर और भक्ति ऐसी चाहिए जो विनय से हो भरपूर, ऐसे हमारे लोक लाडले विशेष हमारे राजस्थान के जो नरेंद्र जी मेहता हमारे बीच में पधारे हैं। हम झांझरिया हनुमान सेवा समिति की ओर से, इस मंच से और सभी यहाँ पे भक्तगण श्रोतागण पधारे हैं, उन सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दो मिनट का आपका अनुमोदन चाहेंगे यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम के लिए श्री नरेंद्र जी मेहता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, व्यासपीठ को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पे यहाँ पे उपस्थित हमारे स्थायी समिति के सभापति त्रिकिशोर जी पाटिल, नगर सेवक सुरेश जी खंडेलवाल, नगर सेविका वैशाली जी रखवी, नगर सेवक सुशील जी अग्रवाल, सभी मंच पे उपस्थित सन्मान्य गणमान्य, सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, संस्था के सभी पदाधिकारी, मैं सबसे पहले आज हनुमान जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और हनुमान जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका जीवन सुखदमय हो, कभी किसी के जीवन में संकट ना आए और हम संकट में सबसे पहले किसी को याद करते तो हनुमान जी को करते हैं। किसी दुविधा में अटक जाए और कहीं भय का वातावरण बन जाए तो हम सबसे पहले हनुमान जी को याद करते और हनुमान जी के नाम का स्मरण करते ही अपने आप में एक ऊर्जा आती है, शक्ति आती है कहीं से, दिव्य लोक से, और हम सब कुछ भूल के आगे निकल जाते हैं। आज व्यासपीठ के माध्यम से दो दिन के व्याख्यान हुए, कल आखिरी अंतिम दिन है। बहुत कुछ आपने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा। हनुमान जी सेवक के नाम से, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई सेवक है तो वो हनुमान जी थे। प्रभु राम के भक्त और हनुमान जी के सेवक। और अगर विश्व में हम देखते हैं तो राम मंदिर से ज़्यादा हनुमान मंदिर है, राम मंदिर से ज़्यादा आज हनुमान मंदिर है, क्योंकि भगवान भी यही मानते हैं और भगवान का भी आशीर्वाद यही रहता है कि मेरे भक्त जो है अगर सच्चे है, मन से है, तो वो भी भविष्य में पूजनीय बने। हम इंसान हैं,
हम भगवान तो नहीं बन सकते लेकिन अच्छे मानव बन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में आज के इस जयंती निमित्त यही प्रयास कीजिएगा कि हम भी सेवक बने, एक दूसरे के काम आए और जीवन में कुछ अच्छा काम करें ताकि आने वाले समय में हमें भी कोई याद करे। इतना ही मैं आपको आज के दिन की शुभकामना देता हूँ और कहते हैं कि प्रभु राम को चले ना हनुमान के बिना, प्रभु राम को चले ना हनुमान के बिना और मुझे चले ना आपके बिना। इसलिए आपकी जो जरूरत है, आपकी मनोकामनाएं जो पूरी कर सकते हैं वो हनुमान जी कर सकते हैं और मेरी मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। इसलिए हनुमान जी को भगवान के राम जी के बगैर नहीं चले और मुझे आपके बगैर भी नहीं चले। इसलिए आपका स्नेह प्रेम इसी तरह मिलता रहे। मैं हनुमान जी के चरणों में आज के दिन जयंती के निमित्त यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें इतनी शक्ति दे, हमें इतनी ताकत दे कि हम धर्म का प्रचार कर सके, हम धर्म की रक्षा कर सके, हमारे हाथों इस शहर का विकास हो सके, हमारे हाथों समाज का कल्याण हो सके। हम इतनी ही अपने लिए प्रार्थना करते, आपका प्रेम स्नेह इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे बजरंग, बिल्कुल सर, आप यहाँ पर पधारे हैं तो हम जो भक्तगण है आपके लिए इतना ही कहेंगे कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। अरे हम तो देने के कुछ काबिल नहीं, लेकिन देने वाले भगवान श्री राम और हनुमान हजार खुशियां दे आपको। और आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि बन सहारा बे सहारों के लिए, बन किनारा बे किनारों के लिए। अरे जो अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी सको तो हजारों के लिए, जी सको तो हजारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः जो हमारे लोक लाडले विधायक जी नरेंद्र जी मेहता और उनके साथी सुरेश जी खंडेलवाल, डॉक्टर सुरेश जी अग्रवाल, वैशाली जी, प्रदीप जी और अन्य उनके साथीगण, उनके सुरक्षा रक्षक हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। एक बार पुनः जांजरिया हनुमान सेवा समिति की ओर से, इस मंच की ओर से और सभी श्रोतागणों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, जो दो दिवस का ये कार्यक्रम, अब यहाँ पर आप सभी से मैंने एक बात कही थी, कोई भी जब तक आरती का लाभ न हो कोई भी अपने सीट से नहीं उठेंगे। बहुत ही बढ़िया, पहले दिन हनुमान जी का महात्म्य और आज हनुमान जी के जन्म उत्सव की बहुत ही सुंदर कथा भक्तिमय संगीतमय के साथ में स्वामी जी श्री धराचार्य जी महाराज ने हमें बहुत ही बढ़िया रसपान कराया है। एक बार पुनः जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे कि जो आज हमने सीखा है कि बिना भजन आ काया कई काम की, अरे क्यों भटके है माया जग में माला जपले राम की। क्योंकि राम से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम और अंत में यही आएगा काम। तो जैसा कि हमने, जी हाँ बिल्कुल, हमने स्वामी जी के बारे में आपको कुछ बातें जो सुबह बताई थी, उनका परिचय बताया था कि 11 साल की उम्र में गीता कंठस्थ की और उसके साथ ही जगत गुरु के रूप में इनको पदवी दी गई। लेकिन अब एक और जो बात बताने जा रहे हैं, आपको पता है स्वामी जी, थोड़ा सा दो मिनट का समय लूंगा, आपको पता है हम सब हिंदू बैठे हैं, मैं एक स्वामीनारायण सत्संग मंडल से बिलोंग करता हूँ, मैं भी सत्संग कथा में खूब जाता हूँ। तो स्वामीनारायण सत्संग कथा में वहां पर एक पूज्य ब्रह्म दर्शन स्वामी थे, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की कि हम सब हिंदू है, हम सब भले बहुत अमीर है पैसों की, लेकिन थोड़ी कमी है, हमें अपने घर में फ्रिज लाना पड़ता है, हमें अपने घर में टीवी बड़ी लानी पड़ती है, हमें अपने घर में सोफे अलमारी लानी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में पैसों की कमी है, हम अपने घर में जो शास्त्र है, चार वेद, 16 पुराण, अन्य जितने भी शास्त्र है, हम हिंदू नहीं लाते, क्योंकि हम धनवान होते हुए भी हम बहुत गरीब है। उसके बाद में कहा कि हमारे पास धन तो बहुत है लेकिन हिंदू बेचारे बहुत व्यस्त है, हमें घूमने जाना होता है, शादी ब्याह पार्टियों में जाना होता है, अरे नहीं तो बर्थडे मनाना पड़ता है, इसलिए अगर थोड़ा धन हो भी जाए और हमारे पास वो शास्त्र आ भी जाए लेकिन हमारे पास पढ़ने का समय नहीं होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर थोड़े बहुत धन पैसे रुपए हो और थोड़ा बहुत समय हो तो आप सभी से निवेदन है कि जिस प्रकार पानी से अपना शरीर धुलता है, साफ होता है, वैसे ही ऐसी संत की कथा, संत समागम और उन शास्त्रों से अपना मन का मैल साफ होता है। तो आप सभी वो शास्त्र अवश्य खरीदे। और इसी के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यासपीठ पर यहाँ पर विराजमान है, स्वामी जी भी अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता है, लेखक है, जिन्होंने
भागवत भावार्थ भागवत भावार्थ रामायण भावार्थ गीता श्री गोदामा चरित्रम श्री रामानुज चरित्रम श्री हरिश्रोत माला श्री भजन मंजली श्री भजन सुमावली श्री प्रेरणामय संदेश गीता श्री आध्यात्मिक रचना साधनामृत हनुमंत कथा आदि आदि पुस्तकों के लेखक जो हमारे सामने व्यासपीठ पर आरूढ़ है। तो आप सभी से निवेदन है कि अब चूंकि आज का दिन पूरा होने जा रहा है और कल का दिन ही अंतिम है, अगर आप भी इन धर्म ग्रंथों का पठन करना चाहते हो, स्वामी जी 3 दिन के लिए ही है, एक दिन हुआ, दूसरा दिन और तीसरा दिन अंतिम है, फिर ये अयोध्या जाए वापस, क्या पता कब ऐसा कार्यक्रम हो, लेकिन आप इनके द्वारा जो रचित ये ग्रंथ है उसका श्रवण पाठ कर सको, तो गेट के एंट्री से राइट साइड में एक स्टॉल लगाई हुई है, वहां से आप ये पुस्तकें खरीद सकते हैं और अपने घर में ज्ञान का दीप जला सकते हैं। तो आपसे निवेदन है स्वामी जी के द्वारा ये जो अनमोल ग्रंथ लिखे गए हैं इनका भी आप लाभ अवश्य लें। एक छोटा सा अंतिम चुटकुला कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि क्या होता है ये धर्म ग्रंथ क्यों जरूरत है। देखो विद्यालय में हम सभी पढ़ते हैं, हम कोई भी विद्यालय की कटाक्ष नहीं करते हैं, जरूरी है स्कूल में जाना, लेकिन क्या होता है देखो कि स्कूल में घर से गधा पढ़ाया जाता है, घर से गणपति नहीं पढ़ाया जाता है। वो काम तो ये संत और ये शास्त्र ही करेंगे, और इसके लिए जो माताएं बहने पधारे हैं, ये काम आपका है कि हम अपने संतान को ये सत्संग के माध्यम से और इन शास्त्रों के माध्यम से उनको सत्संगी बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, एक बार जिला शिक्षा अधिकारी एक स्कूल में आए और उन्होंने सीधे क्लास में जाकर पूछा कि बच्चों बताओ शिव धनुष को किसने तोड़ा है। सब लड़के एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, डरने लगे, एक जन को उठाया कि बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा है, वो डर रहा है मैंने नहीं तोड़ा। दूसरे को पूछा बताओ, बोल रहे साहब मॉनिटर को पूछो 7 दिन से बीमार था आज ही आया है, मैंने तो शिव धनुष नहीं तोड़ा है। क्लास का मॉनिटर है उसको पूछा कि बताओ शिव धनुष किसने तोड़ा है, वो बोला साहब वो मोहन है ना वो बहुत शरारती है उसने ही तोड़ा होगा जरूर और इसके लिए वो आज क्लास में नहीं आया है। तो शिक्षा अधिकारी उस क्लास के जो टीचर है क्लास टीचर के पास गए और उनको पूछा कि तुम्हारे बच्चों को ध्यान ही नहीं है शिव धनुष किसने तोड़ा है, बोला साहब जरूर वो मोहन ने तोड़ा होगा वो ही बहुत शरारती है। अब शिक्षा अधिकारी सीधे प्रिंसिपल के पास गए कि कैसी तुम्हारी स्कूल है इतना भी नहीं पता कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। प्रिंसिपल साहब बोले कि साहब बैठो विराजो चाय पानी लो, आप क्यों चिंता कर रहे हो, बताइए शिव धनुष कितने का है हम उसके पैसे दे देते हैं। तो ये हाल है और इसके लिए जरूरी है ऐसी सत्संग कथा का, ऐसे संतों का जो हमें ऐसे सत्संग के माध्यम से जीवन का जो अमूल्य चीज है वो है ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान वो हमें समझा सके। तो इसी के साथ में अब हम आरती का लाभ लेंगे। मैं जिन भक्तों के नाम लूं वो यहाँ पर स्टेज पे पधारेंगे और बाकी सब अनुशासन के साथ में आरती का लाभ लेंगे। इसके साथ ही एक और सूचना कि कल यहाँ पर 9 से 10 बजे यज्ञ का आयोजन होगा, तो जो भी भक्तगण यहाँ पर विराजमान है उन सभी से निवेदन है कि कल जो यज्ञ सुबह 9 से 10 बजे होगा उसमें आप अवश्य पधारे हवन यज्ञ का लाभ लेने, और उसके साथ ही कस्तूरी गार्डन सुंदरकांड समिति द्वारा आयोजित संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कल रविवार 1 अप्रैल को सुबह 10 से 1 बजे तक इसी पपैया ग्राउंड के इसी स्थल पर होगा। तो आपसे निवेदन है कि उसमें भी आप अवश्य पधारे। और अंतिम संदेश, आज जो संख्या है उससे 1 नहीं 2 नहीं 4 गुना संख्या, चूंकि कल रविवार भी है आराम का दिन है, लेकिन आराम कब मिलता है जब आते हैं चरण में राम के, तो जब राम के चरण में आए तो मिलेगा आराम। आप सभी से निवेदन है अपने बच्चों के साथ अपने भाई बहन मित्र परिचित सबके साथ कल अवश्य 3 बजे इस जो अंतिम कथा का जो लाभ मिलने वाला है हमें उसमें आप सभी अवश्य पधारेंगे। तो कल आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर जो हमारे बीच में जगत गुरु पधारे हैं उनके कथा श्रवण का लाभ अवश्य लेंगे। तो आइए अब हम आरती का लाभ लेने जा रहे हैं। मैं जिन जिन भाइयों के नाम लूं वो कृपया मंच पे पधारेंगे। जो आज के यजमान विनोद जी मरलेसा, गजेंद्र जी मरलेचा, शेखर जी जोधा, जितेंद्र भाई तवर और उनके साथ ही राजेंद्र जी खिवेसा, गौतम जी कटारिया, गौतम खिवेसा, रामावतार भूवड़ा
उत्तम ओसवाल, मदन जी बुतड़ा, नटवर जी डागा, अमरचंद जी रांदर, बाबूलाल जी नौसल निवाल, कन्हैयालाल जी मालानी, और उसके साथ ही जो महिला मंडल, महिला भक्त है, उनसे भी निवेदन करूंगा मंच के वो साइड में, वो भी पधारेंगे। महिला के भक्त के जो मैं नाम लूं, रानू रामावत, बानू रामावत, नीतू केड़िया, ममता सांगेनेरिया, शिवांगी सालू बगदड़िया, उषा अग्रवाल, अनीता लोहिया, अलका रोंगटा, रेखा गोयल, बबीता अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, सरिता डिडवानिया, अनीता गुप्ता, कमला वैष्णव, कमला चौधरी, इंदिरा बाटी, ममता गहलोत, ललिता मित्तल, सोनाक्षी गोदड़िया और शिवांगी अग्रवाल, इन सभी महिला भक्तों से भी निवेदन है मंच पे पधारेंगे आरती के लिए, और हम सब आराम से बैठे बैठे आरती का लाभ लेंगे। और उसके साथ ही अगर स्वामी जी का आपको दर्शन का लाभ लेना है तो जो यहाँ पर झांझरिया हनुमान सेवा समिति के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे आप जो स्वामी जी यहाँ पर निवास करते हैं आपके ही इसी शहर भाईंदर में, आप व्यक्तिगत उनका दर्शन लाभ भी ले सकते हो। रमेश जी बुतड़ा वो भी कृपया मंच पर पधारेंगे। मारवाड़ जैन संघ के अध्यक्ष महोदय वो भी कृपया आगे पधारेंगे। ओम चंद्रमा मनुषोजात सक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राण समुखाद अग्निराजायत। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजन गोत्र महाबल संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी सिया सुधलाई। लंका सकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत पार नलाई। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, मानि सजीवन पाल उबारे। आरती की जय हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की। बैठी पताल तोरी जमतार, अहि रावण की भुजा उखारे। गाय हो जाए असुर दल मारे, कहीं जाय संत जन तारे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लोचाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। जले नासीतलीकरणं पुष्पे देवाभिनंदनं मंत्र पदपांजलि हरिओं चंदेवास्ता धर्मा प्रथमान्ना देहनागम महिमानंदे त्रिपूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम दासरथाय विद्महे कौशल्यानंदनाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जनकात्मजाय विद्महे भूमसुताय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपदपाणिं यथा कालोद्भवान् जापद्भवाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपद्भवाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि, प्रणमामि। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की, हनुमन्तलाल महाराज की, श्री श्री स्वामी जी महाराज की, श्री श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की, उज्जवा जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज की, धर्म के अधर्म का नाड़ियों में विश्व का गौ माता के, भारत माता के, भारत के वीर जवानों की, श्री स्वामी जी महाराज के, आज के आनंद के, जय जय सीताराम।
जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राम। सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि श्री स्वामी जी महाराज अपने मुख्य निवास की ओर कुछ ही पल में प्रस्थान करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि दूर से प्रणाम करके ही आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वामी जी की कृपा दृष्टि उनका आशीर्वाद है, अंततः दूर से प्रणाम करके ही आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री स्वामी जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा, गोदा कथा, हनुमत कथा, गीता प्रवचन, उपनिषद प्रवचन, भजन मंजरी पुस्तकें, सीडी कैसेट डी डीवीडी स्टॉल पर मौजूद है, जिन्हें प्राप्त कर आप स्वामी जी के द्वारा बोध गव्य ओजस्वी वाणी का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन के बाद कल का ही दिन शेष बचेगा। जो चीज अभी सुलभ है कल के बाद शायद दुर्लभ हो, इसलिए आप सभी पूर्णतया शीघ्र अतिशीघ्र इस पावन अवसर का लाभ उठाना ना भूलें, पूर्णतया लाभ उठाएं। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल, तो स्वामी जी अभी निवास स्थान पर पधारेंगे, तो आप सभी से निवेदन है दूर से ही उनका दर्शन का लाभ लें, और अगर किसी को व्यक्तिगत पर्सनल उनका दर्शन लाभ लेना है तो जो कार्यकर्ता है उनसे आप मिले, उनके निवास स्थान पर आप मिल सकते हैं। और आप जितने भी भक्तगण यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल भी समय पर यहाँ पर उपस्थित होकर अंतिम दिन में इस हनुमंत कथा का अवश्य लाभ ले। आप सभी जो श्रोतागण यहाँ पर पधारे हैं, आपके लिए इतना ही कहेंगे कि अधूरा है आसमान सितारों के बिना, अधूरा है समंदर किनारों के बिना, अरे अधूरी है जिंदगी सत्संग के बिना, और अधूरा है ये सत्संग कार्यक्रम आप जैसे भक्तों के बिना। तो आपसे निवेदन करते हैं कल भी समय पर आप पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसी कथा का होना हमारा भाग्य है।